नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल भोज और आज मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है। अगर मैं इनकी बात करूं दोस्तों तो ये वीओ जगत की सम्राज्ञी हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ दोस्तों मोना घोष शेट्टी जी बैठी हैं, जिन्होंने बॉलीवुड क्या हॉलीवुड क्या एनिमेशन सीरीज हर जगह अपनी आवाज का जादू चलाया है। बहुत बहुत स्वागत है बॉलीवुड स्पाई में मैम। इट्स एन ऑनर टू मीटिंग यू। थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले तो मैं और मेरे दर्शक यही जानना चाहते हैं कि आपका जो करियर रहा है, आपकी जो शुरुआत रही है, वो किस तरीके की थी, क्या क्या चीज़ें आपने फेस की और किस तरीके से आज साउंड एंड विजन जैसे इतने बड़े आप स्टूडियो को संभाल रही हैं। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स ऑलरेडी एडवर्टाइजिंग में थे जी मैम, तो बचपन में किसी ने उनको कहा होगा कि कोई चाइल्ड वॉइस ढूंढ रहा है तो मुझे ले गए होंगे स्टूडियो जी। तो शायद मैं 5 साल की थी तो तब से वॉइसिंग का काम शुरू हुआ है। 5 साल से? हाँ, छोटे छोटे लाइक यू नो उस टाइम पे, तो उस उम्र में क्या एक आध लाइन जी, कोई रेडियो स्पॉट, कोई एड फिल्म ऐसे शुरू हुआ होगा जी। तो तब से बस छोटा मोटा ऐसे करती आई हूँ। स्कूल के साथ एक हॉबी जैसा बन गया था जी, आफ्टर स्कूल या वीकेंड्स पे कभी कभार रिकॉर्डिंग्स में जाना। और फिर कुछ सालों के लिए हम लंदन चले गए थे रहने के लिए। अच्छा। तो मेरा ऑलमोस्ट कट ऑफ हो गया था, लेकिन वहाँ पे भी मेरी मम्मी कई बार इंडियन इनर लंदन एजुकेशन अथॉरिटी के लिए इंडियन सॉन्ग्स, नर्सरी राइम्स ये सब करती थी रिकॉर्ड जी। और मेरे डैडी भी वहाँ पे बीबीसी में थे कुछ दिन, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ चलता ही रहता था। प्लस माय मदर यूज्ड टू परफॉर्म फॉर शी वाज अ सिंगर, तो म्यूजिकल नाइट्स पे बहुत परफॉर्म करती थी तो मैं भी उनके साथ जाया करती थी। तो ऐसे करते करते मेरे लैंग्वेज स्किल्स भी बढ़ते गए, बिकॉज शी वॉज अ गजल सिंगर जी। मैम मैंने पढ़ा आप उर्दू, तमिल, तेलुगु सब में एकदम चैंप हैं। नो, ये गलत बात है। मैं इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, उड़िया बोल लेती हूँ, लेकिन बाकी लैंग्वेजेस का क्या होता है, हर रिकॉर्डिंग में एक लैंग्वेज सुपरवाइजर होता है okay. तो वो आपको सिखाता है कि आपको लैंग्वेज बोलना कैसे है। और ये वॉइस आर्टिस्ट पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उस लैंग्वेज को सीख के कितना एफर्टलेसली उसको बोल सकता है जी, ताकि वो लगे कि वो लैंग्वेज जानते हैं। ओके okay. तो ये दिखावा है कि हम इतनी सारी लैंग्वेजेस जानते हैं, बट एक्चुअली हम जानते नहीं हैं सारी लैंग्वेजेस। हाँ, हर लैंग्वेज का थोड़ा थोड़ा तो आ ही जाता है, तो मतलब आप हर लैंग्वेज में ये कह सकता है कि हाँ कुंजम कुंजम आता कुंजम, है। ये तो हर लैंग्वेज में कोई सा हर कोई बोल ही लेता है जी। तो बट दैट इज नॉट नोइंग अ लैंग्वेज। ओके, तो लैंग्वेज जानना मतलब लिखना पढ़ना सब कुछ जरूरी है, सब कुछ जरूरी yeah. है okay. और फ्लुएंटली बोलना जी yeah. जी मोना जी, अगर मैं बात करूं तो बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स की आप सबसे पहले वॉइस बनती हैं, मतलब वो अगर किसी भी हीरोइन को वो डेब्यू करा रहे हैं या फिर अब उनकी फिल्म में ले रहे हैं तो उनको नहीं आती हिंदी या इंग्लिश एक्ट्रेस हैं तो कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी होती है, तो सबसे पहले आपको अप्रोच करा जाता है। जैसे राज के लिए बिपाशा की आवाज़ के लिए आपको किया गया, गुलाम के लिए रानी मुखर्जी, दीपिका पादुकोण ओम शांति ओम, जैकलिन फर्नांडिस इन एवरी फिल्म्स लाइक अलादीन, बाप रे बाप आपकी लिस्ट बहुत बड़ी है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप इन एक्ट्रेस की वीओ को डब करती हैं, जब आप उन्हें आवाज देती हैं, उस दौरान क्या क्या आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और प्लस क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि कुछ लाइन कट गई या सीन कट गए तो वो दिक्कत आती है आपको मैम? नहीं, बिकॉज यूजुअली एक बार फिल्म एडिट होने के बाद ही हम डब करते हैं okay. तो यूजुअली तब तक मतलब स्टोरी लाइन और सीन्स काफी क्लियर होते हैं। जब मुझे अलग अलग एक्ट्रेसेस के लिए डब करने के लिए बुलाया जाता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनकी तरह बात करूँ okay. जैसे उनकी आवाज़ है, जैसे उनके बोलने का ढंग है, जैसे उनकी बॉडी लैंग्वेज है, उनकी एक्टिंग कैसी है, कुछ हद तक मैं ट्राई करती हूँ कि बिल्कुल उन्हीं के साथ वो मैच हो जाए जी। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर मैंने डब किए हैं फर्स्ट टाइम एक्ट्रेसेस की जी, करेक्ट, फिल्म्स, तो उस टाइम पे वो थोड़े से रॉ रहते हैं उनके एक्टिंग में, तो इसी वजह से फिल्म मेकर्स बुलाते हैं
कि इसको थोड़ा सा और परफॉर्मेंस को कैसे एनहांस कर सकते हैं हम जी, तो मुझे वो भी ध्यान रखना है कि मुझे इनकी तरह बोलना है लेकिन डायरेक्टर क्या चाहता है वो भी याद रखना है, तो थोड़ा सा वो बैलेंस करना पड़ता है। मैम कितना टफ है ये मतलब प्रोसेस, मतलब कितना इसमें इन्वॉल्वमेंट जाता है आपका? इन्वॉल्वमेंट बहुत चाहिए, फोकस बहुत चाहिए, स्पीड बहुत चाहिए, बिकॉज आप जिस चीज़ को देख रहे हैं एग्जैक्टली उसकी टाइमिंग को आपको मैच करना है जी, लिप सिंक को मैच करना है जी, उसके सिचुएशन, आप जो सिचुएशन देख रहे हैं उस सिचुएशन में मन में आपको खुद को ट्रांसफॉर्म करना है जी, यू नो यू हैव टू ट्रांसपोर्ट योर सेल्फ इन टू दैट सिचुएशन एंड बिलीव, इमेजिन कि मैं उस सिचुएशन में हूँ। ओके, सी जिन्होंने एक्टिंग किया हुआ है उनके लिए डबिंग करना आसान है क्योंकि ये सारा कुछ वो कर चुके हैं, फिजिकली कर चुके हैं। करेक्ट मैम, वो सिचुएशन में रह चुके हैं, उस लोकेशन में रह चुके हैं, उन एक्टर्स के साथ वो ये सीन कर चुके हैं जी, सो उनके लिए ये इमोशंस लाना, उनके लिए ये सब दोबारा करना, इट बिकम्स अ लॉट इजियर बिकॉज उनको सारा कुछ मालूम होता है। हम जब सीन देखते हैं, हम पहली बार सीन देखते हैं और हमको माइक पे इमीडिएटली स्क्रिप्ट मिल जाता है okay. और इमीडिएटली रिकॉर्ड करना होता है। दिस इज लिटरली वेरी टफ मैम, सो इट्स या सो यू हैव टू बी वेरी क्विक टू अंडरस्टैंड के सीन क्या है, सिचुएशन क्या है, मूड क्या है, मेरा स्पेस क्या है, मेरे साथ कौन कौन खड़े हैं, उनसे कैसे बात करनी है, एक्ट्रेस ने क्या किया हुआ है सीन में, ओके मैं एक्ट्रेस ने जो किया है उससे क्या क्या मैं ले सकती हूँ okay. कि अच्छा ये उन्होंने किया है जो मुझे याद रखना है जी, और फिर डायरेक्टर भी बोलेंगे हाँ लेकिन उन्होंने ये किया है ये मत करना हाँ. या उन्होंने ये किया है ये बहुत अच्छा लग रहा है ये जरूर करना, ये सारी चीजें बहुत ध्यान रखनी पड़ती है। बाप रे मैम, ये तो मुझे लगता है ये कैमरे में जो एक्टिंग करता है उससे भी ज्यादा टफ, थोड़ा सा टफ है क्योंकि हम अपनी डबिंग नहीं कर रहे हैं, हम किसी और की डबिंग कर रहे हैं, किसी और की डबिंग, तो एग्जैक्टली उनके फेस में, उनके बॉडी लैंग्वेज में फिट हो जाना जी बहुत जरूरी है। तो यू हैव टू बी समवन एल्स, यू हैव टू बी इन समवन एल्सस शूज। एग्जैक्टली एग्जैक्टली मैम, ये तो हिंदी एक्ट्रेस हैं, चलिए हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, आप आराम से उसको समझ लेते होंगे, इंग्लिश के वक्त क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चुनौतियां हैं? आपने मेगन फॉक्स को आवाज़ दी है, आपने ये हैले बेरे को एक्समैन सीरीज में आवाज़ दी है, और अगर मैं बात करूं एंजेलिना जॉली टूम राइडर में, तो उस दौरान क्या सिचुएशन आती? गमोरा को आपने आवाज़ दी, इतना कैरेक्टर को इतना प्यारा और लवेबल बनाया। इनफैक्ट जोई सल्दाना का एवेटार में भी मैंने किया। हाँ यस ऑफकोर्स, जोई सल्दाना का एवेटार, उस मैम क्या मतलब वो बताइए क्योंकि हॉलीवुड में अलग ही एक चैलेंजेस होते हैं। एक्चुअली मैं ये कहूंगी कि क्योंकि मेरी मम्मी ये काम करती थी जी, तो मैंने देख देख के बहुत कुछ सीखा है ऑब्वियसली, तो मैं स्टूडियो में उनके साथ इतना टाइम मैंने वक्त बिताया है कि काफ़ी कुछ देख देख के मैंने सीख लिया है। इंग्लिश आर्टिस्ट का डब करना इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट बॉल गेम, और ये करके इनफैक्ट मुझे इतना डबिंग में प्रैक्टिस हो गया कि मेरी हिंदी फिल्म्स के लिए बहुत काम आया, बिकॉज हिंदी फिल्म्स मुझे बहुत इजी लगते थे okay. क्योंकि आपको हिंदी सुनना है वही वर्ड्स बोलने हैं, तो लिप सिंक टाइमिंग सब कुछ मैच करना बहुत इजी है जी. लेकिन जब आप इंग्लिश फिल्म्स को डब करते हैं जी. तो आपका लैंग्वेज अलग है, टाइमिंग अलग है, बॉडी लैंग्वेज अलग है, लिप सिंक अलग है, हर चीज को फिर उसको एक्सप्रेशंस बिल्कुल अलग है, पॉजेस अलग हैं, तो आपको मतलब इन सारी चीज़ों को बिठाना बहुत मुश्किल है, और यही काम है वॉइस आर्टिस्ट का, डबिंग आर्टिस्ट का, डबिंग डायरेक्टर का, राइटर का, कि इन सारी चीज़ों को कैसे हम हिंदी में लाएं ताकि ये डब्ड ना लगे, डब्ड ना लगे, हाँ एक फील लगे मैम, हाँ हाँ कि ये नेचुरल लगे कि ये हिंदी ही बोल रहे हैं जी। आई नो इट्स डिफिकल्ट बिकॉज आप फिरंग फेसेस देख रहे हैं और हिंदी डायलॉग सुन रहे हैं, तो अजीब तो लगता ही है, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि फिल्म शुरू होने के 5-10 मिनट या 15 मिनट बाद, थोड़ी देर बाद आप उसकी आदि हो जाएं, ओके कि आप फिरंग फेस देख रहे हैं और वो हिंदी में बोल रहे हैं, क्योंकि स्टोरी, डायलॉग्स, परफॉर्मेंसेस आपको इतना एंजॉय करना चाहिए कि आप भूल जाएं कि आप एक डब्ड फिल्म देख रहे हैं जी। एक दो दिन पहले हमारी अलादीन की स्क्रीनिंग हुई थी जी। जिसकी हमने हिंदी डबिंग की है जी। तो मुझे
तो बहुत लोग आए थे जो कि डब्ड फिल्म्स नॉर्मली नहीं देखते हैं. ओके. तो वो मुझे बोल रहे थे कि यू नो मैं भूल ही गई कि मैं डब्ड फिल्म देख रही हूँ. एंड दैट इज़ द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर अस, बिकॉज हमारी कोशिश यही है कि आप भूल जाएं कि आप डब फिल्म देख रहे हैं. हम चाहते हैं कि आपको लगे आप हिंदी फिल्म ही देख रहे हैं. ओके ओके मैम, ये जब इंग्लिश फिल्म्स आती हैं तो क्या ये आपको मतलब पहले ही दिखा दी जाती है और फिर उसके बाद आप उसको मतलब एटलीस्ट एक हफ्ता पहले, ताकि उसके दिमाग में आपके नोट्स बने रहें? और एक हफ्ता नहीं, 2 महीने पहले हमें दिखाई जाती है, रिलीज से 2-3 महीने पहले. ओह रियली? हाँ. ओके. तो उस वक्त तो सिर्फ रफ कट ही आया हुआ होता है. अच्छा. तो हमको रफ कट दिखाया जाता है क्लाइंट की तरफ से जी. और फिर वो हमसे हमारे साथ डिस्कस करते हैं कि इसको कैसे डब करना चाहिए जी. इसमें किस टाइप के वॉइसेस लेने चाहिए जी. किस टाइप का फ्लेवर देना चाहिए इसको हिंदी में जी. यू नो शुड वी यूज अ लॉट ऑफ उर्दू? Okay. Should we use a lot of Hindi? What kind of characterizations? किसी को जैसे रॉकेट रकून को आपने एक थोड़ा सा सरोगेटरिश कैरेक्टर थोड़ा सा बना दिया और थानोस एकदम पापा वाली फीलिंग के साथ. करेक्ट 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 करेक्ट. तो ऐसे हम लोग डिसाइड करते हैं कि किसको कैसे बोलना चाहिए जी. एंड Like you've seen Thanos के साथ जो रहता है Ebony Maw. हाँ, Ebony Maw, वो जो ऐसे वो जादूगर. तो हाँ, उनके बोलने का ढंग भी बहुत ही. There is so much of that. Something that बहुत बहुत पंडिता ही है मतलब उनके उनके बोलने के ढंग में. तो वो भी इंटरेस्टिंग है बिकॉज वो कैरेक्टर्स वैसे हैं, तो उनको हिंदी में हम वैसे कैसे एस्टेब्लिश करेंगे? ओके. जैसे थॉर स्पीक्स अ वेरी मजेस्टिक रॉयल लैंग्वेज जी 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 और बड़े थिएट्रिकल स्टाइल में बात करते हैं, जैसे कि वो महल में राज्यसभा में खड़े हैं. आयरन मैन यू नो इज वेरी क्विक, वेरी क्विक एंड विटी. फट बोलते रहते हैं और बोलते ही रहते हैं फटाफट बोलते हैं, बोलते ही रहते हैं. उसकी के अंदर उनके उनका सार्केज्म होगा, टॉन्ट होगा, जोक होगा, मस्ती होगी. करेक्ट. सारी चीजें उसी के अंदर हैं. करेक्ट. तो सबका बोलने का ढंग इतना अलग है जी कि हमको वो सारी चीजें मतलब उन उस पे वर्क करना पड़ता है. ओके. फिर राइटर लिख के लाते हैं तो हम फिर अप्रूवल होता है. हाँ, फिर हम उसको बैठ के पहले तो क्लाइंट के साथ हम डिसाइड करते हैं कि इसको कौन लिखेगा, इसके वॉइसेस क्या होने चाहिए, कास्टिंग क्या होना चाहिए. फिर राइटर इज ब्रॉट ऑन बोर्ड, उनको ब्रीफिंग दी जाती है कि देखिए ऐसे. फिर उनसे आइडियाज़ हम लेते हैं कि अच्छा इसको कैरेक्टराइजेशंस कैसे करें जी. फिर वो एक ड्राफ्ट लिख के लाते हैं, फिर हम फिर से क्लाइंट के साथ बैठते हैं और डायलॉग्स थोड़े डिस्कस कर लेते हैं कि कहाँ पे ट्रांसलेशन अच्छा लग रहा है, कहाँ पे थोड़ा सा अडेप्ट करने की ज़रूरत है. ट्रांसलेशन अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ और बोलने की ज़रूरत है. ज़्यादातर जोक्स में थोड़ा सा चेंजेस लाना पड़ता है बिकॉज सेम जोक को आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते. फॉर एन एग्जांपल जैसे डेडपूल का मुझे संकेत भाई ने बताया था कि मौशी ची वो जगू दादा वाला जो है वो लिया था. वो भी आप ही को ही श्रेय जाता है अगर साउंड एंड विजन को मैम अगर मैं बात करूं. बट यू नो समथिंग, हाँ, हर चीज का क्रेडिट हम खुद नहीं ले सकते बिकॉज एक काम करने में एक टीम वर्क जो होता है ये बहुत जरूरी होता है. तो कोई कभी कोई आइडिया आर्टिस्ट देता है ओके जो माइक पे जो है माइक पे कि है. मैं ऐसे ट्राई करूं. अच्छा. वैसा ट्राई करूं. ओके. तो कभी कुछ इंजीनियर का आइडिया होता है, कभी डबिंग डायरेक्टर का आइडिया होता है, कभी राइटर का आइडिया होता है. इट्स अ टीम एफर्ट. हाँ, कभी कभी क्लाइंट बोलता है कि इसको ऐसे ट्राई करो ना. सो एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ टीम एफर्ट. यस, द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दैट ऑफ द डबिंग डायरेक्टर बिकॉज उनको स्टार्ट टू फिनिश सब कुछ देखना पड़ता है. राइटर का काम, इंजीनियर का काम, आर्टिस्ट का काम, सब कुछ उनको देखना पड़ता है. सो दैट द क्लाइंट इज हैप्पी विद द प्रोडक्ट, द ऑडियंसेस शुड बी हैप्पी विद वॉट दे सी. एग्जैक्टली. लेकिन काम करते करते ऐसा नहीं होता है कि कोई एक ही आदमी बोल रहा है. सब लोग अपना दिमाग, सब लोग इन्वॉल्व इतने होते हैं उस प्रोजेक्ट में तो सब लोग आइडियाज देते हैं जी. और कभी कभी आइडियाज एकदम फैंटास्टिक होते हैं तो सबको अच्छा लग जाता है कि हाँ हाँ ये करते हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है. हम अलग अलग चीजों का ट्रायल भी करते हैं जी. कुछ कुछ वर्ड्स नहीं जमते हैं तो उसको रख देते हैं अलग. या कुछ कुछ वर्ड्स जैसे आपने कहा कि वो एकदम लगता है कि हाँ यही यही बोलना चाहिए इस सिचुएशन में, बहुत अच्छा मैच हो रहा है जी. तो फिर वो फेमस हो जाता है. ओके मैम, अगर मैं बात करूँ तो जैसे कास्टिंग की बात आती है तो
आप कास्टिंग जब करते हैं तो जहन में क्या चीज़ें रख के करते हैं? क्योंकि अगर बात करूँ मैं आयरन मैन की, परफेक्ट कास्टिंग राजेश सर, और जो ऐसे क्रेडिट मेरी मम्मी को जाता है बिकॉज कैप्टन अमेरिका उस टाइम पे जब ये फिल्म शुरू हुई थी जी, 2008 तो 2007 या 8 में जब शुरू हुई थी जी, तब तो मेरी मम्मी डबिंग डायरेक्शन करती थी लीला जी, घोष लीला जी जी, तो ये सारा कास्टिंग उन्होंने ही किया हुआ है, ये तब से चला आ रहा है मैम। हाँ, तो ये सारी फिल्मों में इन्होंने किए हैं ना। वाह वाह वाह, तो राजेश खट्टर ने आयरन मैन किया है, जॉय सिंह गुप्ता ने कैप्टन अमेरिका किया है, नेश्मा मंत्री ने ब्लैक विडो का किया है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो मैम कहीं ना कहीं ये मैं अगर बात करूँ तो ये ना हमारे जहन में और प्लस ऑडियंस के जहन में ये बस गए, वो आंख बंद करते हैं आवाज सुनते हैं ऐसा लगता है आयरन मैन बैठा है। क्योंकि मेरे एक इंटरव्यू में मुझे कमेंट सेक्शन में लोग कह रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि आप आयरन मैन के साथ बैठे हो। क्या मतलब कैसा फीलिंग कैसे होती है जब इस तरीके के बिकॉज़ आई थिंक राजेश खट्टर अपना भी पर्सनालिटी काफी डाल देते हैं उसके अंदर, इसलिए जब आप उनसे बात करें तो आपको लगे कि ये आयरन मैन बोल रहा है। तो उन्होंने आयरन मैन की पर्सनालिटी और अपने पर्सनालिटी को इतना अच्छे से मैच किया है और इतना अच्छा वो बैलेंस ले आए हैं जी, और यू नो बिकॉज वो भी तेज बोल सकते हैं तो ये आयरन मैन का तेज बोलना, उनकी मस्ती मजाक, उनके ये ताने तो बहुत मारते हैं तो ये सारी चीजें वो बहुत अच्छे से कर लेते हैं जी। तो कैरेक्टर दोनों का बहुत जेल हो गया, पर्सनालिटी राजेश खट्टर का आयरन मैन के साथ, समय ठक्कर का हल्क के साथ जी, निश्मा जी का ब्लैक विडो के साथ। मैम जब कोई भी आर्टिस्ट मतलब बहुत हमने देखा है, तीन एग्जांपल मैं बड़े बड़े देना चाहता हूँ, जैसे जॉय सर है, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर आती है उनकी आवाज चेंज हो जाती है, वरुण धवन आते हैं, डेडपूल में रणवीर सिंह आते हैं, स्पाइडरमैन में टाइगर श्रॉफ आते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें आप लोगों का कितना इन्वॉल्वमेंट रहता है, प्लस क्या ये क्लाइंट की तरफ से चीजें आती हैं? मोस्ट डेफिनेटली क्लाइंट की तरफ से आती हैं, बिकॉज क्लाइंट को कभी लगता है कि देखो ये फिल्म्स अभी एक मकाम तक पहुंच गई हैं जहां पे इनको अभी आगे कैसे लिया जाए, इनकी एक फैन फॉलोइंग बन चुकी है, समझो जस्ट टू गिव यू अ नंबर 1 लाख लोग ये पिक्चर देख रहे हैं, इस 1 लाख को 10 लाख कैसे किया जाए? अच्छा। जो मार्वल फैंस नहीं है उनको हम कैसे लाएं? यू नो, या इस पिक्चर में और इंटरेस्ट कैसे क्रिएट किया जाए? जी, तो नेचुरली क्लाइंट तरकीबें निकालते हैं कि इस फिल्म को और इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए, जो लोग डब नहीं देखते हैं या जो लोग मार्वल के फैंस नहीं हैं या जो लोग सुपर हीरो फिल्म्स नहीं देखते हैं जी, या इंग्लिश फिल्म्स नहीं देख पाते, उनको कैसे लाएं जी? तो तब वो कहते हैं कि चलो अगर कोई स्टार को लाएं तो शायद मतलब लोगों का इंटरेस्ट और बढ़ेगा जी, कि अरे ये वरुण धवन ने डब किया है, ये रणवीर सिंह ने डब किया, चलो जाके देखें कैसा हुआ है जी। लोगों को पता भी ज्यादा चलता है क्योंकि इसकी पब्लिसिटी भी ज्यादा होती है कि रणवीर सिंह ने पता है ये डब किया है, तो उतने लोगों को पता चलता है उस बात की जी। तो क्यूरियोसिटी बढ़ती है तो और लोग आते हैं देखने के लिए, तो नेचुरली ये क्लाइंट का कॉल है, इट्स अ कमर्शियल कॉल, इट्स अ मार्केटिंग कॉल, और जब वो एक बार ये डिसीजन लेते हैं कि देखो हम इस फिल्म को थोड़ा और पुश देना चाहते हैं तो कोई एक्टर को लाते हैं जो इस फिल्म को मतलब थोड़ा सा मास अपील दे सके जी। तो फिर हम बात करते हैं आपस में क्लाइंट और हम कि इसको कास्टिंग कैसे किया जाए। इसमें एक बहुत बड़ी बात है, कास्टिंग तो एक बहुत बड़ी बात है कि मैचिंग कैसा हो पर्सनालिटी, लेकिन यू नो द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज के डब्ड फिल्म्स यूजुअली 2-3 महीने पहले आती हैं, इतने शॉर्ट टाइम के अंदर किसी स्टार को कास्ट करना, उनका टाइम मिलना, उनसे कराना, ये बहुत लक की बात है, बिकॉज यूजुअली एक्टर्स यू नो हाउ इट इज़, एक्टर्स ज़्यादातर बिजी रहते हैं, उनकी शेड्यूल्स 6 महीने 1 साल पहले से बनी हुई होती हैं, तो वो टाइम स्लॉट मिलना बहुत मुश्किल है। इट इज़ टफ मैम। ओके मैम, इट्स वेरी टफ मीन्स कि स्टार्स को अप्रोच करना और उनको कहीं ना कहीं इसके लिए कन्विंस करना। हाँ, ज़्यादातर क्लाइंट्स ही करते हैं। अच्छा। हम बहुत ही कम करते हैं, बट हाँ आजकल क्योंकि ये ज़्यादा बढ़ता जा रहा है तो आजकल हम भी कॉन्टैक्ट करते हैं एक्टर्स को। ओके
जस्ट टू सी के कुछ अलग फ्लेवर मिल सकता है कि नहीं जी इन डब्स में, यू नो, कि थोड़ा सा अलग साउंड करे या थोड़ा सा अलग कोई पर्सनालिटी मिले, कैरेक्टरिस्टिक कुछ मिले जी, तो ओके okay.